अच्छा, जब भी हमारे शो में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, और आज मेरी खुशी दुगनी है, बिकॉज आज यहाँ पर जो आ रहे हैं ये बड़े ही यंग है, छोटी उम्र में इन्होंने म्यूजिक फील्ड में बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर अमाल मलिक और अरमान मलिक। एक बार अरमान और अमाल के लिए जोरदार। अरे आपको तो मिल लिया था। अरे हाउ आर यू यार, ये इतनी छोटी उम्र में इतना इतने, मैं मुझे लगा पहले मैं दो बार मिल चुका हूँ, एक तो दोनों सगे भाई हैं, पता नहीं चलता है। आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे तो पता है, पहले हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि अरमान कौन है, अमाल कौन है। मैं अरमान हूँ। ये अरमान है। मैं अमाल हूँ। ही इज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड, ही इज 24। बहुत जल्दी थी इनको हिट होने की। मैंने ये बात इनसे इसलिए पूछी बिकॉज जब भी कोई जोड़ी हिट होती है ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे अब दिनेश बोल रहा था अब्बास मस्तान अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। मैंने कहा वो दो अलग अलग लोग हैं, अब्बास भाई अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मस्तान भाई उनके चाचा हैं। सो आप सबने देख लिया, ये अरमान है और ये अमाल है। अरमान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, पर इनका इंटरेस्ट ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्शन में है। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अमाल और अरमान का जो म्यूजिक है, जो इनकी आवाज़ है, ये आने वाली फिल्म दो लफ्ज़ों की कहानी में भी सुनने को मिलेगा। सो उस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, मिस्टर रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल, वो भी कुछ समय पश्चात यहाँ पे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी एंट्री जो है आप उन्हीं के गाने पे करें। सो प्लीज़ हो जाए जरा आपके आने वाले गाने, प्लीज़ एक गिटार और माइक लेके आइए। काजल और रणदीप के लिए जोरदार तालियां। आजी आइए बैठिए, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। You deserve to be on the rocking chair. How are you feeling sitting next to Kajal? Amazing. She's really beautiful. You did a great job. Thank you. And this is my favorite song, by the way. Thank you so much. सबसे पहले मैं रणदीप आजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यार, सरबजीत में आपने क्या कमाल का काम किया, मतलब चारों तरफ चर्चा हो रही सर आपकी। काजल बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आई हैं आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं कभी, मतलब क्योंकि टीवी शोज में इंटरव्यूज में बहुत कम दिखाई देती हैं आप, वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं काजल? मैं बंबई की हूँ, लेकिन मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, जो आपके साथ कॉमन है। व्हाट? यस। कभी मिली नहीं अमृतसर में, मतलब आप कहाँ पे होते हो, आप तो यहाँ पे हो ना। अरे मैं उधर सड़क पे मिलता था। आपको पता है दो लफ्जों की कहानी में रणदीप पहली बार, पर ये पहली फिल्म है ना आपकी रोमांटिक? हाँ, इस तरह की रोमांटिक जो था पिक्चरें, तो मेरे को लगता है मेरे तो सारे कैरेक्टर रोमांटिक है, पर लोगों को नहीं लगता ये। पर ये बोनाफाइड पहली एक रोमांटिक फिल्म है, प्रॉपर रोमांटिक, जिसमें लड़का लड़की के बारे में ही कहानी है, बहन बहन नहीं है इन्वॉल्व। तो कैसा आप तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार इमरान हाशमी वाली फीलिंग लेकर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, इमरान भी बहुत अच्छा है इसमें। इमरान हाशमी फीलिंग इसलिए आती है इस पिक्चर में क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है, सब अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। अच्छा, मैंने देखा कि एक दो मैंने एक फिल्म में देखी, शायद तेलुगु फिल्म थी, वहाँ पे जब रोमांस होता है तो मतलब जैसे ही लड़का लड़की की आँखें मिली तो हीरो ने बड़ी फटाफट लुंगी गर्च करके ऐसे करी और लड़की ने ऐसे बाल झटके, तो भाजी 2 सेकंड में 250 लोग आते हैं, फिर वो 500 की स्पीड पर नाचते हैं। तो मतलब रोमांस अलग होता है, हर किसी का अपने तरीके का रोमांस होता है। आपको ज़्यादा मतलब रोमांस करना बॉलीवुड में अच्छा लगा कि साउथ फिल्मों में? एक्चुअली ये पहली बार है जो मैं बॉलीवुड में रोमांस कर रही हूँ, तो मुझे आदत साउथ की है। okay. और बाल झटकने की है। सिंगम में नहीं था क्या? ज्यादा नहीं। अच्छा, वो रोमांटिक फिल्म नहीं, पुलिस की सॉरी थी ना, वो ज्यादा तरीके ड्यूटी पे रहे ना ज्यादा। अजय देवगन, हाँ मैंने ट्रेलर में देखा पाजी, आप 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हो। हाँ, फिल्म में तो कर ही रहे हैं, रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले सरबजीत के लिए आए थे, आज इसके लिए, उसके बाद सुल्तान भी आ रही है, उसमें आप बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं पाजी, मतलब कमाल है, ये तो अच्छी बात है। चलिए काजल अग्रवाल, काजल तो नाम बड़ा खूबसूरत है, अग्रवाल बड़ा खूबसूरत है, पर अग्रवाल सरनेम की कोई आज तक हीरोइन हुई नहीं इंडस्ट्री में, काजल पहली है। नहीं तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी, दोनों के पापा की स्वीट शॉप थी। चेन्नई में है, तो चेन्नई में एक स्वीट शॉप है कॉल अग्रवाल स्वीट्स, तो सबको लगता है कि वो मेरे पापा की दुकान है, लेकिन नहीं है। तो वैसे आपके पापा क्या करते हैं, मतलब? टेक्सटाइल्स। नहीं, वो भी मिठाई वाले लगते हैं, कितनी स्वीट स्वीट लड़की है। सही बात, इमरती जैसी बेटी है उनकी ना। अरे आपने कभी नहीं बताया, इतनी बार मुलाकात हुई, मैंने कभी नहीं पूछा भाजी आप कैसे आए थे मतलब फिल्मों में। मैं, हाँ,
आपकी फैमिली में तो कोई एक्टर नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली में डॉक्टर हैं मोस्टली लोग, मेरे पिताजी भी यहाँ पे हैं। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? मुबारक हो, आपका बेटा लायक निकला। बहुत नाम कमा रहे हैं। कैसे सर आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप डॉक्टर हैं? मैं सर्जन हूँ। अच्छा, तो आपने कभी मतलब रोका नहीं रणदीप को कि तू फिल्म लाइन में जा रहा है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस्मत है, पता नहीं, ऐसा कभी रोका नहीं आपने? नहीं, बहुत रोका। अच्छा, और बोला भी कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज इसकी वजह से मैं आपके शो में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ स्वीट, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उनके बच्चे कभी कभी कॉमेडियन बन जाते हैं, बट इन्होंने मुझे बोला था, मैं बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पहले तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया से फोन किया था कि जी यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट है मेरे कॉलेज में, क्योंकि मैं पहले साल में फेल हो गया था, तो मेरे को लगा यार कि अब घर वालों को बताऊंगा फेल हो गया, ये हो गया, इससे अच्छा कि कोर्स ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने इनको फोन किया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है? हाँ, नई नई चीज़ें आती है। तो मैं बोला वही एक्टिंग वगैरह वगैरह, तो थोड़ी देर फोन पे चुप्पी रही, फिर बोले भाई भांड बनना है तो घर ही आ जाए, एटलीस्ट हमारे साथ तो रहेगा। फिर मैं जब डिग्री खत्म करके आया तो मैंने बोला कि अभी देखो मुझे जॉब भी मिल गई है पर अब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला हम तो किसी को जानते नहीं वहाँ पे, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं बोला नहीं नहीं मेरे को करनी करनी है, तो बोला चल भाई तूने जो करना है कर, बुढ़ापे में हमारे ऊपर आगे बोझ मत बनना। चलिए आज तो अंकल आप खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है आप। चलिए, बहुत भगवान आपको हमेशा खुशी रखे, और बहुत बहुत गर्व होना चाहिए आपको अपने बेटे पर, और आपको भी होना चाहिए भाई। इजीली मतलब कह तो दिया ना उन्होंने, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे थे, इंटरनेशनल कॉल पे आदमी इतना लंबा पॉज लेके डिसीजन ले रहे हैं, कितने पैसे पड़ जाते भाई। थैंक यू अंकल। काजल, मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। पूछिए। आपने राजा मौली साहब के साथ एक फिल्म करी थी, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली भी बनाई, बहुत कामयाब फिल्म रही, और काजल ने उनके साथ एक फिल्म में काम किया, मगधीरा, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। अच्छा, आप तो फिर उनको जानती हैं, तो ऐसे आप मतलब उनसे पूछ के हमें बता सकते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं बताएंगे? आप सबके चाहने वाले यहाँ पे हैं और आप सबसे बातें करना चाहते हैं। हेलो कपिल, हेलो रणदीप, हेलो काजल। Hello. हम यूपी से हैं, मोदी नगर शहर से हैं। काजल मैम, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। और मेरा छोटा बेटा तो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो आपकी सारी पिक्चर देखता है, उसे साउथ इंडियन पिक्चर आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। उसे प्लीज थैंक यू कहिए। रिश्ता ले गया है, काम नहीं चल देगा। एक्चुअली मैं अभी तो अपनी फिल्मों में बहुत बिजी हूँ, तो सॉरी मैंने कल शाम को कर लेना। वो तो रुक जाएगा, वो वेट कर लेगा। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपकी बात करवा दूं? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, करवा दो प्लीज, आप प्लीज बात ही करवाओ अब तो। हेलो नितिन। हाँ मम्मी। मैं कपिल के शो से बोल रही हूँ, काजल मेरे सामने बैठी हैं। अच्छा। हाँ लीजिए बात करो। हाँ हाँ कराओ बात। जैसे तुमने कहा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा बात करें? बात, हेलो बात कीजिए। ये लीजिए। हेलो हेलो नितिन। हाँ काजल मैम। हाय नितिन। हाय मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। सारी फिल्में देखी है जी मैंने आपकी। अच्छा थैंक यू। आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को। अच्छा थैंक यू। अरे काम की बात करना, काम की बात। अरे आपकी मम्मी रिश्ता लेके आई हैं, आपको मंजूर है? मुझे तो मंजूर। अच्छा अच्छा फोन रख। मंजूर है? बैठी बैठी। The choice is his. मैंने कहा है मम्मी को कि आपके जैसी लड़की मिलेगी ना मैं तभी शादी करूंगा। अच्छा तो मेरी जैसी ना, ठीक है। नहीं, आप मिलोगे तो फिर सॉरी नितिन, सॉरी लेकिन मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं, नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं है। अपना तुम्हारे सपने का राजकुमार निकला तो नहीं नहीं, मैं आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। आवाज कम मत सोचिए, मैं बड़ा अच्छा दिखता हूँ वैसे। हेलो
अच्छा इधर एक और लड़की है, डॉक्टर गुलाटी की बेटी, अगर आप कहें तो। अरे उसका तो आपके साथ चल रहा है ना चक्कर। थैंक्स फॉर कॉलिंग नितिन, थैंक यू। थैंक यू आंटी, शुक्रिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.